भानखड़ जी, संतलाल जी, राणा जी, सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप गरीब मजदूर तबके का, एससी बीसी ओबीसी कैटेगरी के सभी लोगों का कदम कदम पर साथ देते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में समाज के गरीब तबके के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये लोग जेलों में भी गए हैं, भीम आर्मी के सदस्य जेलों में भी गए हैं, भूखे भी मरे हैं, रोड पे ही बैठे हैं। ये लोग वो हैं, जब भी आप इन्हें देखें इनका सम्मान क्या करें। पहले तो मैं इन सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों को शायद भीम आर्मी का पता नहीं है, भीम आर्मी हमारे समाज के बच्चों, बुजुर्गों और सब पूरी कौम के लिए काम करती है। और दूसरी बात जो आज यहाँ पर देखने को मिला, जैसा कि बताया कि बुलडोजर यहाँ इन बस्तियों को उजाड़ने की जो है कवायद शुरू की है सरकार ने, ये जो सरकार है ये आपके हकों की बात नहीं करती है। अब जब हकों की बात नहीं होती है तो आपके ये जो नुमाइंदे जो लोग हैं, जो आपके लिए समाज में काम करते हैं, इनके पीछे हो जाइए आप, इनका साथ दीजिए आप। ये आपके हकों की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर, पेरियार से लेकर, ज्योतिबा फुले से लेकर, ये जितने भी साथी अब जो है उसी कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपके हकों की लड़ाई लड़ते हैं। और अगर आपके हकों की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति का साथ अगर आप नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल आपके बच्चों को और आपके घरों को और आपको रौन दिया जाएगा। मैं आग्रह करता हूं सभी भाइयों से कि बहनों से कि कल जैसा भी प्रोग्राम हो भीम आर्मी का, इनका बढ़ चढ़ कर ये सभी बस्ती वाले साथ दें, सभी साथी इनका साथ दें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही नक्शे कदम पर चलते हैं, वरना मैं बाइक पर था यहाँ कर, यहाँ से ही नहीं देख कर निकल जाता। लेकिन मुझे पता है कि जहाँ ये लोग खड़े होते हैं वहाँ हक और अधिकार की बात करते हैं, इसलिए मैं भी बाइक को साइड में लगाकर खड़ा होगा कि मैं मेरे भाइयों की बात, मेरी बहनों की बात सुनूंगा क्या क्या बात की जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बस्तियों को उजड़ने नहीं देंगे, बस्तियों को उजड़ने नहीं देंगे। धन्यवाद खटक भाई साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं मेरे जो हमारे जिला अध्यक्ष, क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष, समय समय पर आप सभी लोगों का ये नहीं है कि इन्हीं बस्तियों के लिए, चाहे वो पीछे हमारे 13 सेक्टर में 16 सेक्टर में जो कि झोपड़ी जलने का काम किया था, तब वहाँ पर भी हमने ना हमारे सभी साथियों को जो की झोपड़ी बनाने का, जैसे भी हमारे से बन पाया था लोगों से जो की जो झोपड़ी बनाने का काम भी किया था, और कपड़े और जो जैसा भी हो पाया था, हम कुछ खाना अनाज जो भी दे सकते थे लोगों से, मदद से, भाइयों की मदद से, तो वो करते रहते हैं। और आप लोग हमसे दूर नहीं हैं, मैं संतलाल अम्बेडकर आपके पास में ही रहता हूँ, सेक्टर 1-4 के अंदर। रमेश राणा को आप लोग तकरीबन जानते ही हो, ये प्रदीप बानखड़ आप आज जानने लग गए होंगे, ये सब लोग आपके अपने भाई, आपके बेटे हैं, ये आपका खून है, ये आपसे धोखाधड़ी नहीं करना चाहता, आपसे कुछ नहीं लेना चाहता। आप लोगों को ये जो जिंदगी है ना, ये नरक बनाई है, वो हमारे दुश्मनों ने बनाई है, किसी हमारे भाई ने नहीं बनाई है। आप लोगों के पास शिक्षा नहीं है, आप लोगों के पास घर नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, अरे घूम फिर के फेरी लगा करके पेट को भरने के लिए काम करते हैं, उसको भी ये लोग छीनना चाहते हैं। अगर हम लोग अगर जिए तो कहाँ जिए, हम लोग रहें तो कहाँ रहें, हम लोग कहें तो किसको कहें, अरे हम सुनाएं तो किसको सुनाएं। इस देश के अंदर हम लोग, इस देश के अंदर क्या हम लोग, आपको लगता है हमें आजादी की जरूरत है या नहीं है? किस चीज की आजादी की जरूरत है आप लोगों को? हमारे को जरूरत है हमारी की झोपड़ी, आप लोगों को पूरी पास होने, आप लोगों को इस देश के नागरिक हो आप लोग, कितने कितने साथियों के यहाँ पर वोट कार्ड है, आधार कार्ड, राशन कार्ड है? ये सरकार जो है वो बीजेपी सरकार, जो निकम्मी सरकार बोलता हूँ मैं, वो ये कहती है कि हम गरीबों को पक्के मकान दे रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को शिक्षा दे रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, आप घुमाने का काम करिए कैमरा, कितने लोगों के पास वोट कार्ड है? सबके पास, सबके पास। तो साथियों इन सभी के पास वोट कार्ड है, वोट कार्ड है, हाथ खड़े करो, इन सभी साथियों के पास, चुप हो जाओ, एक बार सुनने का काम करो, सुनने का काम करो आप लोग, बैठ जाओ।
के मैं साथियों हमारे इस फेसबुक आईडी के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस हिसार के शासन प्रशासन को हरियाणा सरकार के नुमाइंदों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन बस्तियों को उजाड़ने के लिए आए तो पूरी तैयारी के साथ आना। हम लोगों ने कफन बांध लिया सिर के ऊपर और इन भाइयों की झोंकी झोपड़ी उजड़ने नहीं देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। साथियों तो ये बातें झूठी नहीं है, हम लोगों ने ठान लिया है अगर किसी का भला करना है तो वो हमारे लोगों को भला करना है और उन भाइयों को भला करना है जिनको 75 साल आजादी के बाद वो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भी परेशान हो रहे हैं, फेरी लगानी पड़ रही है, शिक्षा नहीं है, घर नहीं है, जो झोंकी झोपड़ी है उसको आग लगा देते हैं, कभी कभी बुलडोजर चला देते हैं। ये सरकारें किसके लिए बनी हैं? आखिर ये सरकारें बनी हैं तो किसके लिए बनी हैं? आप लोगों को समझना होगा, जो आपने सरकारें बनाई हैं, जो आपका वोट है, वोट रूपी जो ताकत है उससे सरकारें बनती हैं, उससे मंत्री एमएलए बनती हैं। आप लोगों को इस वोट रूपी ताकत को समझना होगा और सबसे पहले लड़ाई जो आपकी है रियल में वो एक स्थायी निवास की जरूरत है। आपके पास एक स्थायी निवास हो जाएगा एक जगह का तो आपको शिक्षा भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, पक्का मकान भी मिलेगा, सभी चीजें आपको मिलेंगी। आप लोगों को लामबंद होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, आप लोगों को एक संगठन भीम आर्मी उसके साथियों के साथ जुड़ना होगा। जैसे आज हमारे अकेले क्रांतिकारी योद्धा ने उस जेसीबी को आपके आंखों के सामने दौड़ाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आज तो हम 100 भाई हैं, उसकी आग लगाने का काम भी कर देंगे। दोबारा कोई हिम्मत करके दिखाना है झोंकी झोपड़ियों के अंदर, दोबारा आए तो तैयारी करके आना, मेरा तो यही अनुमान है। दोबारा ये जमीन हमारी है, संविधान कहता है जो सरकारी जमीन है वो हमारी है, जो सरकारी जमीन है वो हमारी है, ये जमीन हमारी है, नहीं छोड़ेंगे इसको। ले तेरे बलडोजर, ले तेरे सरकार के नुमाइंदे, देखेंगे इनसे टकराने का काम करना पड़ेगा। हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, खोने को कुछ नहीं है हमारे पास, शरीर पे कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, क्या खोएंगे? हमारा हमारा कुछ नहीं जाना है। अगर कुछ भी अगर आप कुछ मेहनत करोगे, साथ में लड़की लड़ोगे तो इन छोटे मोटे बच्चे हमारा, इनका भविष्य आप बरकरार सुनहरा बनाने का काम करोगे। हमारा ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमने ठेका ले रखा है कि पूरी जिंदगी हमने फेरी लगानी है? क्या हमारा जी नहीं करता कि हम पढ़े? क्या हमारा जी नहीं करता हमारे बेटे नौकरी लगे? क्या हमारा जी नहीं करता कि बड़े बड़े मकानों में, पक्के मकानों में हमारा खुद का हमारा घर हो? क्या हमारा मन नहीं करता है? तो साथियों आप लोगों ने हमारा साथ देना होगा, भीम आर्मी का साथ देना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर हमें राइट दिए हैं, कानून बना के दिए हैं कि इस देश के सिटीजन को पक्का मकान दिया जाए, उसको शिक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की सेवा दी जाए, पर हमारे को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमारे को पीटा जा रहा है, घरों को आग लगाई जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी, हिसार के अंदर नहीं होगी। तो भाई साहब ने बता दिया है आप लोगों को कल कहीं फेरी फारी नहीं जाना है, एक दिन बुखार है जाना, बुखार है जाना, सभी साथी वहाँ पर डीसी मैडम का गिराव करना है, बैठ जाओ आप लोग, सुन लो सारे साथी अपने आधार कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड, सारे साथी अपने साथ में ले, ये भाई है और एक साथी जोड़ता, रिंकू जी, जो साथी एक वो है, एक लिस्ट बना लो सभी झोंकी झोपड़ियों की, जिसके पास मोबाइल है सभी का नंबर नाम मुझे दो, नीचे बैठ जाओ नीचे। आप लोगों को स्थायी निवास के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और जीवन एक अच्छा बनाने का कवायद शुरू की जाएगी। भाई बैठ जाए यार, नीचे
बैठ नीचे यार बैठ जा यार बैठ जा भाई साथियों ये सब आपने सुन लिया होगा सेक्टर 11 वार्ड नंबर 9 अन्य नहीं तुम लोग बैठ जाओ काली देवी मंदिर के साथ झुकी झोपड़ियां अरे भाई बैठ रहे बुलडोजर आया था भीम आर्मी के साथियों ने यहां पर उसको वापस खदेड़ दिया है यहां पर जो झुकी झोपड़ियों के गरीब साथी गरीब माताएं बहने आप देख रहे हैं कि रोड के ऊपर बैठी हुई आपको नजर आ रही है और हमारे क्रांतिकारी साथी भीम आर्मी के यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो नगर निगम के साथी और हरियाणा बीजेपी सरकार के नुमाइंदे सोतले जो हुड्डा डिपार्ट के लोग आज बुलडोजर जेसीबी लेके आए हैं वो भी सुन ले हम लोग कायर नहीं है भाई संविधान को मानने वाले हैं हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे दोबारा जेसीबी बुलडोजर आ गया तो बोलिए क्या करेंगे दोबारा बुलडोजर जेसीबी आ जाएगी तो क्या करोगे तो आपने सुन लिया है पूरी तैयारी के साथ आना सर जय भीम आर्मी जय 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 भीम भीम आर्मी जिंदाबाद बीजेपी बुलडोजर मुर्दाबाद पुनालाल खट्टर मुर्दाबाद ये हमारे प्रदीप बानखड़ जी एक मिनट में सर भाई लास्ट और फाइनल एक बात फिर दोबारा कर रहा हूँ आपसे भाई ने सारी बात रख दी है भाइयों हम जो पहन के चल रहे हैं हमारा कफन है आप गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करा कुलदीप भाई ने हमारे सामने आपने बताई कितने भी परेशानी दिक्कत हो रही तो हम खड़े हो जावांगे तड़के सब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक दिन किते नहीं जाना सारे इंसान जितने भी महिला मेरी बहन मेरे भाई सारे यही होंगे यहाँ से एक पैदल मार्च होगा हम शासन में चलेंगे डीसी मैडम का घराव करेंगे पूरे शहर से होते हुए पूरे शहर से डीसी मैडम का घराव करेंगे ताकि पता चले कि गरीब आदमी के साथ में कितनी दिक्कतें हो रही है ये बीजेपी सरकार वाले पूंजीवाद को आगे बढ़ाए जा रहे हैं गरीबों को खत्म करने का काम किया जा रहा है गरीबों को खत्म नहीं कर सकते ऐसे गरीबों के भी रखवाले हैं भाई गरीबों को भी सारा देने वाले लोग हैं और देश का संविधान गरीबों के लिए ही है ठीक है अब मैं फिर एक बार कह रहा हूँ आपके चैनल को भाई आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार और शहर प्रशासन से हुड्डा प्रशासन के लोगों से भाई या तो सुधर जाओ या इनको पक्के मकान दो पक्की झोपड़ियां दो यहाँ से अच्छी जगह दो तब लोग ये शिफ्टिंग करेंगे उससे पहले ये शिफ्टिंग नहीं करेंगे कल हमारा रोज प्रदर्शन रहेगा जिसमें सारे के सारे ये लोग 500 लोगों के करीब ये लोग हैं और भीम आर्मी के जितने पदाधिकारी इनका नेतृत्व करते हुए कल डीसी मैडम का घेराव करेंगे ताकि ये समस्या बार बार हमारे सामने ना आए भीम आर्मी जिंदाबाद